तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का गणेश चतुर्थी का ग्रुप वाला पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बन रही हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जी फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड लगा, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा पोस्टर बना सको। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा ओपन .plp फाइल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन शो होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग इस पोस्टर के जिप फाइल को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर जब अनजिप करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा नीचे की तरफ आपका। तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं पिक्सल लैब में मराया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा गणेश चतुर्थी पोस्टर 7 PLP करके। अगर गाइस अगर आप लोग डाउनलोड भी करोगे और डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, तो यही आपको लिखा हुआ मिलेगा गणेश चतुर्थी पोस्टर 7 PLP करके। तो उस पर आपको क्लिक करके ओपन एंडेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद गाइस, देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फ़ोटो हटाकर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो, और इन सभी फ्रेमों में अपने दोस्त का फ़ोटो ऐड करना चाहते हो। तो चलो गाइस, मैं सबसे पहले इस फ़ोटो को यहाँ से डिलीट करता हूँ और एक दूसरा फ़ोटो ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस डबल बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड, तो उस पर आपको क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद फ़ोटो के ऊपर देखो कि आपका लॉक लगा हुआ है, तो इस लॉक को हटा लेना। हटाने के बाद फिर से इसी पर क्लिक कर देना, और इस फोटो पर टाइप करके आपको यहाँ से इस फोटो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस, आपको इस वाला ऑप्शन पर आना है, इनपुट पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे, तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपना फ़ोटो चूज कर लेना है। तो चलो गाइस, मैं कुछ फ़ोटो को PNG बनाएं, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और गाइस, आप लोग को PNG फोटो नहीं बनाने आते, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देखकर PNG फोटो बना सकते हो। तो मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर एक सही का निशान मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक वाइट सर्किल मिलेगा, तो इसको आपको पकड़ के इस फ्रेम के हिसाब से आप उस फोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो गाइस कि इस फोटो को मैंने इस फ्रेम में एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप इन सभी फ्रेम में अपना दोस्त का फोटो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने शुभेच्छा लिख रखा है, तो इस पर आपको डबल टाइप करना है। और डबल टाइप करने के बाद यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं किसी ना और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।